Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. आज मैं मसारा किचन में बना रही हूँ डाइट मील, और ये जो डाइट मील ये उनके लिए है कि जो डाइटिंग पर हैं और एक ही तरह का खाना खा के थक चुके हैं, तो उनके लिए है. और ये बहुत ही हेल्दी है और ये आपकी डाइट के लिए बहुत ही आइडियल है. कि मैंने यहाँ पे क्वार्टर लेग लिया है. बस आप या तो लंच या डिनर है, जस्ट आप डे में वन टाइम बस आपने ये पूरा खाना है. इस खाना है इसके साथ ही आपने सिट्रस जो होती हैं चीज़ें उसका इंटेक करना है, पानी ज़्यादा पीना है, बस उसी के लिए ये है. तो ये उनके लिए है जो डाइटिंग पर हैं, और इससे ये बस आपने ये करना है और सिट्रस चीज़ों का इंटेक रखना है, लाइक कोकम्बर, सैलेड, जूस है जिसमें सिट्रस जो फ्रूट्स हैं उस, वो भी मैं साथ साथ बताती रहूँगी. जब जब मैं डाइट मील्स अपलोड करूँगी डाइटिंग को लेके, मैं आपको बताती रहूँगी. अभी फ़िलहाल मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ कि अगर आप डाइटिंग पर हैं तो एक तरह से ये आप इसको टेस्ट करेंगी, इतनी अच्छी होती है कि मतलब आप इसे डाइट पे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं. यहाँ पर मैंने क्वार्टर लेग लिया है, सॉल्ट. यहाँ पे मैंने क्वार्टर लेग के हिसाब से सॉल्ट जो है वो बहुत कम लिया है. डोंट यूज़ मोर सॉल्ट एंड डोंट स्टॉप इट ऑल्सो, सिंपली मिनिमाइज इट्स यूज़. ओके, कलौंजी जो है 1 टीस्पून. यहाँ पे जो गार्लिक जिंजर पेस्ट है, तो जो जिंजर है इसमें थर्मल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे फैट बर्न होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बॉडी के लिए. अगर आप डाइटिंग पर हैं, आपकी फैट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 1 टीस्पून लिया है. साथ ही यहाँ पे होममेड गरम मसाला है जो कि मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ. इसकी रेसिपी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी किस तरीके से मैंने रेडी किया है. इसके साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ लेमन जूस. तो ये लेमन जूस जो है ये जस्ट फ्लेवर के लिए ही नहीं है, लेमन भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपकी डाइटिंग के लिए, बिकॉज ये सिट्रस है. सही है, तो ये मैं यूज़ करूँगी. इससे एक आपको चिकन जो यहाँ पर है इसमें एक बहुत अच्छा सा आपको फ्लेवर मिलेगा जो आपसे ईजिली खाई भी जाएगी. बिकॉज हम डाइटिंग पर होते हैं तो हम ऐसा फील कर रहे होते हैं लाइक हम बीमार हैं, हम पेशेंट हैं. कुछ दिन के बाद मैं भी डाइटिंग पर रही हूँ तो मुझे भी ऐसा फील होता था, लेकिन तब मैंने इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी डाइटिंग कंप्लीट की है. और इसके साथ 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगा ब्लैक पेपर. ये भी बहुत ज़रूरी है, आपने अगर फिट रहना है तो ब्लैक पेपर का इंटेक आपको अपनी बॉडी में रखना है. ये 1 टीस्पून है. यहाँ पे मैंने लेमन जूस निकाल के सिर्फ इसका जूस यहाँ रखा है. इसकी जो कोट है इसको मैंने रहने दिए. तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ. ये किस तरीके से रेडी करनी है. आपने ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं. सबसे पहले मैं ये जो लेमन कोट मैंने रखी हुई है इसको मैंने क्रैक कर लिया है जगह जगह से, सही है, और इसको मैंने सही से वॉश कर लिया था. तो अब मैं इसमें जो लेमन कोट है इसको अच्छे से इसमें लगाना है ताकि मतलब आपको खाने में ये सही लगे और बुरा ना लगे और आसानी से खा सकें और फ़ायदे का फ़ायदा है. चिकन जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसीलिए जब भी हम डाइट करते हैं तो हम चिकन का इंटेक रखते हैं. क्योंकि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन इंक्रीज़ होगा तो हमारे नेल अच्छे होंगे, हमारे हेयर्स अच्छे होंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है हमारे प्रोटीन से है. तो इसीलिए डाइटिंग में आपने प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा इंटेक करना है. इसीलिए ये चिकन आपने मस्ट खानी है. इससे आपका वेट भी बहुत जल्दी आप वेट लूज करेंगे और बहुत इफ़ेक्टिव ये डाइटिंग है. इसमें सारी चीज़ें जो है वो डाइटिंग से रिलेटेड हैं. ठीक है, ये देखें दूसरी कोट भी लेके मैंने इसको अच्छे से इसमें रब कर दिया है और आई थिंक ये अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाएगा. अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट. इसको भी मैंने लेके अच्छे से इसमें लगाना है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी है जिससे इसमें पेस्ट बनेगा या कुछ होगा जो मैं इसमें कोट करके चिकन को कर दूँ. रेडी, ठीक है. नाउ आई विल ऐड गरम मसाला. इसको भी अच्छे से आपने रब कर लेना है. ठीक है, रेसिपीज डाइट के हवाले से आपको फुल लिटिल इंट्रोडक्शन के साथ दे दी जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने काफ़ी ब्रीफली इंट्रो दिया है, लेकिन मैंने सब चीज़ों को इंट्रो करवाया है कि डाइटिंग में कौन सी चीज़ मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ.
सही है। तो इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिफरेंट रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो आपके डाइटिंग वो सॉरी डाइटिंग का जो पीरियड है ये आराम से गुजर जाए, क्योंकि ये पीरियड कितना ज़्यादा लॉन्ग होता है और कितना तकलीफ टॉर्चरिंग होता है। ये इंसान बास लोग तो इसमें डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन खैर है अल्लाह सबको ठीक करे और कामयाब करे उनकी डाइटिंग। तो बिल्कुल आप इसको यूज़ करें। मैं गार्लिक जिंजर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, सही है, और इस तरीके से मैं डिफरेंट रेसिपीज डाइटिंग के हवाले से आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि आपने क्या क्या खाते रहना है जिससे आपकी डाइटिंग का जो पीरियड है अच्छे से गुजर जाए। यहाँ पे चिकन में जितने स्पाइसेस थे मैरिनेट हो चुके हैं और अब मैं इसे हाफ आवर का रेस्ट दूंगी। अब इसमें साथ ही जो है मैं ये लेमन जूस भी ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कलौंजी जो है, तो कलौंजी के बारे में मैंने कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि कलौंजी भी सेम यही सब फायदे कलौंजी के अंदर भी है, तो इसको भी आपने इसमें ऐड करना है। और इसमें ऑयल जो है वो मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। इसे टर्न करके अच्छे से इसको पहले, अभी मैंने इसे पैन में रख दिया है, कोई ऑयल इसमें नहीं ऐड किया है, आज मैं बिना ऑयल के ये बता रही हूँ आपको। और इसको मैं कवर करके टेंडर होने तक कुक करूँगी ताकि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए, और बीच में मैं साइड्स पीस के चेंज करूँगी। चलिए जब ये कुक होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डाइट मील रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।